कुछ बातें ऐसी हैं लेने के टाइम सोचना पड़ता है कि लें, लोग किंतु परंतु करते हैं, पर जो लिखा हुआ है दास वो बता रहे हैं। भाई बालाजी, भाई मर्दाना जी, और ये जन्म साखी लिखाई है भाई बालाजी ने, जो सारा जीवन गुरु नानक पातशाह की सेवा में रहे, और लिखाई गुरु अंगद देव जी को, और उसमें ये घटना दर्ज है। भाई बालाजी, भाई मर्दाना जी जा रहे हैं। भाई मर्दाना जी पूछते गुरु नानक पातशाह, हम किस चीज़ के ऊपर चल रहे हैं? है तो समुंदर, समुंदर के ऊपर चल रहे हैं हम, किस चीज़ के ऊपर चल रहे हैं? गुरु नानक पातशाह कहने लगे, हम एक मछली के ऊपर चल रहे हैं। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। तो भाई मर्दाना जी पूछते हैं, इतनी बड़ी मछली जिसके ऊपर हम चलते ही जा रहे हैं? तब गुरु नानक पातशाह ने कहा, ये मछली 35 कोस लंबी और 5 कोस चौड़ी है। यहाँ से बोलिए, धन गुरु नानक। अब यहाँ पर किसी का माइंड काम नहीं करेगा, ऐसे कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? वो सृष्टि का मालिक है। अगर वेल मछली हो सकती है इतनी बड़ी, वो उससे बड़ी भी तो बना सकता है ना। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। डायनासोर भी थे ना। ज्ञान ले यहाँ पर। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। मर्दाना हैरान हुआ, अच्छा इतनी बड़ी मछली, और ये घटना बहुत लंबी है। उस मछली के ऊपर चलते जा रहे हैं, और लिखा है कि 3 दिन 3 रात चलने के बाद मछली के मुख तक पहुंचे, और उस मछली को जब किनारे पे लगे तो उस मछली ने अपने प्राण त्याग दिए। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। और उसमें से रूह निकल कर गुरु नानक पातशाह के सामने आके खड़ी हो गई हाथ जोड़कर। गुरु नानक पातशाह कहने लगे, क्यों भाई? भाई मर्दाना जी, भाई बालाजी दोनों खड़े देख रहे हैं। गुरु नानक पातशाह कहने लगे, इनकी शंका दूर कर। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। वो कहने लगी, वो रूह कहने लगी कि मुझसे भूल हुई थी, राजा जनक। यहाँ पर बार बार ना, बार बार आप जन्म साखी पढ़ेंगे ना, तो राजा जनक की जब बात आती है, और जब गुरु नानक पातशाह जिन जिन को तारने गए, और जैसे कौड़ा राक्षस राजा जनक का रसोईया था, झूठा भोजन खिला देता था। एक बार राजा जनक के मुख से निकल गया, तू तो राक्षस वाला बिरती है तेरी। कितनी बार कहा है, महापुरुष घर में आते हैं, भोजन बनाने के बाद चखना नहीं है, और तू चख लेता है, झूठा हो जाता है। महापुरुष नाम जपने वाले नहीं खाते वो, और उनकी बिरती नहीं टिकती झूठा भोजन खाकर। और जब बार बार समझाने पर जब नहीं समझा वो, तो उनके मुख से निकल गया राजा जनक के मुख से कि तो राक्षस वाले काम करता है, तो राक्षस वाली बुद्धि है तेरी, और वो बना कौड़ा राक्षस। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। ये पूरा इतिहास है, एक के बाद एक पन्ने हैं इतिहास के। इसी प्रकार ये मच कह रही है कि मैं आपके दरबार में सेवा करता था आपके पास, पर जब भी आप मुझे कोई काम कहते थे मैं घबरा के भाग जाता था। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। टाल देता था, बात मानता नहीं था। तो एक दिन आपके मुख से निकल गया कि जब भी तुझे कोई काम कहते हैं मछली की तरह तड़प उठता है। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। तो वो सजा भुगत रहा हूँ मैं मछली बनकर इस जोनी में। कहने का दास का भाव ये है कि राजा जनक ही निरंकार ने, वही रूह है जो गुरु नानक पातशाह धरती पर आए। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह का अगर एक्चुअली, फिर वही बात आ जाती है, 36 युग तप किया था गुरु नानक पातशाह ने, 36 युग तप किया था, तब निरंकार ने अपना रूप बनाकर धरती पर भेजा था। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। ये और पहलू है यहां पर। जब इस रूह ने गुरु नानक पातशाह के चरणों में बेनती की कि अब मुझे बख्श दो, तो गुरु नानक पातशाह कहने के, बख्शने ही तो आए हैं तुझे, तुझे बख्शने ही तो आए हैं। और उसे, उसकी रूह को देवता दरगाह में लेके गए। ये सारी घटना जब भाई मर्दाना खड़ा रह के देख रहे हैं, कांप गया डर के। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। क्यों भाई मर्दाना जी क्या करते थे, गुरु नानक पातशाह की सारी बातें नहीं मान पाते थे, कई बार नाराज होकर चले जाते थे कि मैं तेरे साथ नहीं निभ सकती, या तो अपने जैसा बना दे, या तो मुझे अपने जैसा बना ले कि मुझे ना भूख लगे ना प्यास लगे, या तो मुझे छोड़ दे। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। मर्दाना जी कई बार गुरु नानक पातशाह से ये बात कहते थे, पर अगर ध्यान से अगर विचार करेंगे ना,
तो जब जब भाई मर्दाना जी को भूख लगी है, प्यास लगी है, तब तब किसी का उद्धार हुआ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भाई मर्दाना जी का कई लोग मजाक में नाम लेते, मर्दाना को भूख लगी है, वो ऐसा हो गया। अरे भाई, भाई मर्दाना जी गुरु नानक पाशाह के साथ रहे, एक सेकंड दर्शन करे वो संत बन जाता है, सारा जीवन साथ में रहे। उन्हें कीर्तन सुनाया, क्या अवस्था हो गई उनकी। भाई मर्दाना जी की सारी घटना देखकर आंखों में आंसू आ गए। गुरु नानक पाशा कहने के, मर्दाना क्या हुआ? भाई मर्दाना जी गल में पल्ला डाला, हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। पाशा, उसने आपके वचन नहीं माने, मछली की जून मिली। मैं तो कई बार आपसे आपके वचन नहीं मानता हूँ, मेरा क्या होगा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, मैंने तो कितनी गलतियाँ की हैं आपके साथ, मुझे भी बख्श दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मेरे गुरु नानक पाशाह ने भाई मर्दाना जी को गले से लगा लिया। कहने के, मर्दाना तू हमें भोजन खिलाता है, कीर्तन तुझे कीर्तन दिया, बख्शने के बाद ही दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, तुझे तो हम कब का बख्श चुके हैं, तुझे कीर्तन की दात दी इसीलिए दी क्योंकि तुझे बख्श चुके हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये बातें सुन के मन को एक धीरज आ जाता है कि गुरु ने कीर्तन की दात दी है, बख्श के ही दी होगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक ही आसरा है कीर्तन, जिसकी वजह से संगत प्रेम करती है, आप लोग प्रेम करते हो, गुरु नानक भी प्रेम करते हैं कीर्तन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, मन को ताकत मिल जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।